सो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं अस्त यूनिवर्स बिकॉज खुद ब खुद लग जाती है यहाँ इतनी किसी चीजों को बसेरा है। सो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं अस्त यूनिवर्सिटी। सो गाइस मेरे साथ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे अस्त, सो हमें तो परमिशन नहीं मिली शूट करने के अंदर। तो अभी ये बात है कि हम लोग जा रहे हैं वापस, थोड़ा काम था तो नहीं हो सका फिर आना है। सो मैं आपको बता दूँ यहाँ का जो कि बहुत ही मज़े का व्यू है। और आपको मैं बताता चलूँ, जो चाइना कॉरिडोर है सी बैक, वो यहाँ से कुछ मीटर के फासले पे है यहाँ से, और यहाँ से एक्चुअली नज़र भी आता है। सो हम लोग उस नहीं जा रहे अभी, तो हम लोग जा रहे हैं वापस। सो स्टे विद मी। सो फ्रेंड्स आपको बताता चलूं कि ये मोड़ वो मोड़ है जहाँ पे एक्चुअली कार्स खुद ब खुद लग जाती हैं अपने में और खुद ब खुद एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लिपी रोड है। उस बारे में कहा जाता है कि यहाँ इतनी किसी चीज़ों का बसेरा है जो कि ये काम होते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हमारे पीछे बैकग्राउंड में देखें तो ये पाक चाइना कॉरिडोर की रोड है जो यहाँ पे बनेगी। सो जिसे सी पैक कहा जाता है। सो आप मेरे साथ लीजिएगा, आज शाम तक हमारा साथ लीजिएगा।
फ्रेंड्स अभी हम लोग आए थे जिनाबाद सो यहाँ पे कॉलेज में थोड़ा हमारा काम था सो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस घर और उसके बाद जाना है हमें बोर्ड ऑफिस सो आज का और मेरा आपका साथ रहेगा और मेरे साथ आपको व्यू बताता जा रहा हूँ हैदराबाद की थोड़ी सैर करवा रहा हूँ हम लोग गए थे हवेली यूनिवर्सिटी सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ सो स्टे विद मी तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे बोर्ड ऑफिस थोड़ा सा काम जा रहे हैं सब काम हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं देख सकते हैं आपके हालत मेरी सो करते हैं ये ऐतिहासिक मस्जिद है जो कि मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको शायद इसका विजिट करवाया हो अंदर से भी अभी हम लिहाजे से जा रहे हैं अपने घर की तरफ जो कि हमें बहुत ही शॉर्ट पड़ता है तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लोग घर की तरफ वापस और हालत बाइक पे बैठ बैठ के सो बस अभी जाना है घर और जाके करना है थोड़ा रेस्ट और घर बताना चाहूँगा कि आज मजा आया एंजॉय किया थक चुके हैं बहुत ज़्यादा सो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ घर वापस और एक्चुअली अभी 9 o'clock हो रहे हैं सो आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर सका बिकॉज ये कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है सो अभी जो लाइटिंग एक्चुअली ज़बरदस्त ख़राब है सो दैट्स व्हाई मैं सेलफोन की लाइट यूज़ कर रहा हूँ सो इसलिए मैं बिल्कुल ख़राब नज़ारा आ रहा हूँ सो अभी सो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और एक और व्लॉग के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।